गौतम, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब ओपिनियन पोल्स में मोदी की सरकार बनते हुए दिखाई जाती है, एनडीए को बहुमत मिलते हुए दिखाया जाता है, उसी वक्त आपके जो ग्रुप के जो तमाम कंपनीज हैं उनके शेयर रेट जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और फिर लोग ये कहते हैं कि चूंकि आप करीब हैं और मोदी अगर सत्ता में आए तो आपको फायदा मिलेगा, इसीलिए आपके शेयर में रैली हो रही है। वो अभी स्टॉक मार्केट की कैसे रैली होती है वो तो स्टॉक मार्केट जाने, लेकिन नेचुरली कोई भी स्टॉक मार्केट जब कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट आती है जिसके ऊपर इन्वेस्टरों को लगता है कि भाई ये सरकार में निर्णय शक्ति ज़्यादा होगी और जिससे इंडस्ट्रीज का और ट्रेड का भला होने वाला है, तो नेचुरली वो उसके बाकी तो अभी सरकार तो बनी नहीं है, ये तो ये जो अभी ये जो स्टॉक की रैली जो हो रही है वो तो एक लोगों को ऐसा है कि कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट आएगी उसके बेसिस पे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल गुजरात आए थे और मुंद्रा भी गए थे, और वहां से लौट के जब आए तो उन्होंने कहा कि गुजरात में तो अंबानी और अदाणी की सरकार चल रही है, क्या आप वाकई गुजरात सरकार में इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं? देखो ऐसा है, मोदी जी की सरकार के अंदर एक कोई ऐसा क्लेम करता है कि कोई एक आदमी या दो इंडस्ट्रियलिस्ट या मीडिया या फिर कोई सरकार चलाता है, तो वो आई थिंक मेरे ख्याल से वो मोदी को जानते नहीं है। मोदी जी किसी को भी सरकार चलाने के लिए वो अलाउड नहीं करते हैं, एंड मैं समझता हूँ कि वो सबसे बढ़िया गवर्नेंस का मॉडल है। आप ये बताइए कि आप 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2002 में दंगे हुए थे, उसके बाद से एक रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात करके एक इंडस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया जो कि मोदी को बैक कर रहा था जिस तरीके से उनकी आलोचना हो रही थी, क्या वो वही वो दौर था जिसमें आप उनके करीब आए या पहले से आप उनको जानते थे? नहीं, मैं मोदी जी को 25 साल से जानता हूँ, जबकि वो जनरल सेक्रेटरी थे तब से जानता हूँ, और जब हमारे को स्टेट गवर्नमेंट के कोई काम नहीं था तब से उनको जानता हूँ करीब से। जब बात आती है रिसर्जेंट की और उसकी, सवाल वो नहीं है, मोदी जी को चीफ मिनिस्टर बना तो कोई भी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के साथ में जहाँ आपका कारोबार है उनके साथ में बैठ के आपको काम करना है, आपको आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बढ़ावा करना है, आपको नेशन बिल्डिंग का काम करना है, तो ये सब जो चीज़ें होती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हाथ मिलाए बिना ये काम सब हो नहीं सकता। मोदी से आपके संबंध की तो बात होती है, लेकिन बताया जाता है आप शरद पवार के भी उतने ही करीब हैं।